तो मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आप देख सकते हैं मेरे सिर में टॉवल है, इसका मतलब कि मैं अभी नहा के निकली हूँ। और वैसे डेली नहाती हूँ तो, लेकिन डेली टॉवल लगाऊँ ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि जब मैं हेयर वॉश करती हूँ तब मैं सिर में टॉवल लगाए रहती हूँ। और शाम को तो मैं डेली नहाती हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो शाम हो चुकी है और मैं नहाती ही नहाती हूँ। तो मैंने हेयर वॉश किया था। हेयर वॉश क्यों किया था, क्योंकि आज मेरे पति ने मेरा हेयर कट किया हुआ है। तो और मैं दिखा देती हूँ, मैं मिलवा देती हूँ अपने पति देव से, जो ये रहे हैं बेचारे बेड में हमेशा मिलते थे ना, तो आज शर्मिंदगी को अपना कम करने के लिए इसके साथ मिल रहे हैं। मैंने भी हेयर कट किया है। हाँ, ये इन्होंने भी हेयर कट किया, ये मेरे हैंडसम। ओ हो हो हो, इन्होंने हेयर कट किया तो मैंने बोला कि मैम मुझे भी हेयर कट चाहिए। हाँ, इनका मैंने किया नहीं, इन्होंने जाके अपने अपने ब्यूटी पार्लर में किया, आई मीन मेंस पार्लर में जाके किया इन्होंने। तो मैंने बोला कि मुझे भी हक है भाई बाल बाल काटने का, तो मेरा भी काटो। तो मैं अपने डार्लिंग के लिए बनाने जा रही हूँ क्या पास्ता, जो कि हेल्दी है, डाइट चार्ट में है। पास्ता हम हमेशा खाते रहते हैं, लेकिन अब वो चार्ट में आ गया है, जो डॉक्टर के एडवाइस से हेल्दी भी है। वो तो हेल्दी था ही, तो खाने का मज़ा और बढ़ गया है। तो मैं अभी बनाऊँगी पास्ता, आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा आज मूड हुआ कि पास्ता ना आज आप लोग शेयर करती हूँ। तो मैं अपना सिस्टम विस्टम यहाँ लेके बैठूँगी, जहाँ पे भी अरेंज करूंगी, क्योंकि किचन में तो मैं बना रही हूँ। हाँ, ऐसे कुछ करूंगी, क्योंकि हाँ तो बाहर पिकनिक हो जाए वहाँ पे अरेंज, ऐसा क्या कहीं भी वही हम लोग डिसाइड करते कहाँ पे अरेंज करके आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि कुकिंग मैं दिखा नहीं पाती हूँ, क्योंकि वहाँ किचन का किसी काम का नहीं है यार, वो मतलब कि आ ही नहीं पा रहा है। नहीं नहीं, लाइट लग जाएगा तो हो जाएगा, तो टेंशन ना ले, देखते लाइट ऊपर नीचे हो रहा है इसलिए नहीं आ रहा लाइट, लेकिन हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो अभी गंदा नहीं लगा, तार मार लिया। हाँ ठीक है, तो दोस्तों क्या कहते हैं, तो फिर हम लोग अपना सेटअप वेटअप करते, देखते हैं कहाँ पे बैठते हैं, फिर बैठ के फिर आपको अपना आज पास्ता दिखाती हूँ। तो मेहनत मेरे को करना पड़ेगा, हम दोनों को करना पड़ेगा। वैसे तो पास्ता मैं कई टाइप का बनाती हूँ, अलग टाइप का, तो आज मैं बनाने वाली टोमेटो पास्ता, तो वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। क्रीमी पास्ता नहीं बनाती हूँ क्या? क्रीमी पास्ता है, टोमेटो पास्ता है, और फिर क्रीमी पास्ता है, फिर टोमेटो पास्ता, फिर क्रीमी पास्ता है, फिर टोमेटो पास्ता। अरे अलग अलग भी पास्ता होते हैं, तो आज मैं सिंपल टोमेटो पास्ता बना रही हूँ, तो वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो बिना देर किए मिलते हैं रेसिपी के साथ। हाँ, उसके साथ कुछ और भी रेसिपी है, रेसिपी नहीं है, मजेदार चीज है, तो उसके साथ ही उसी के साथ ही दिखाएंगे, उसके साथ ही मिलेंगे एंजॉय करते हुए, ठीक है ना? तो मिलते हैं बाद में। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ पास्ता की तैयारी करने। तो मैंने एक एक सारी सब्जियों को ले लिया है, सारा एक बाउल में सारी सब्जियों को कलेक्ट कर रही हूँ जो जो इसमें लगेंगी। तो मैं एक एक करके चीज़ों को ला रही हूँ। ये कटिंग बोर्ड है, और ये बैठने वाला है, और ये फ्राई पैन वगैरह है, और पानी मैंने लेके रखे जो धोने में, और ये मसाला ला के मैंने रख दिया है ताकि, और ये चम्मच वगैरह भी, और अदरक लहसुन छूट गया था तो वो भी ला के मैं यहाँ पर रख रही हूँ। ये पास्ता है, ऑयल है, और मैं सारी चीज़ों को अरेंज कर रही हूँ। और ऑयल आपने देखा होगा कढ़ाई पे है, कढ़ाई का जो ऑयल था तो मैंने सोचा कि उसी को यूज़ कर लेती हूँ, क्या दूसरा निकालना है ना, इसको भी नहीं यूज़ करके ख़त्म करना रहता है ना, क्योंकि खुला रहता है तो पुराना जितना आप लेट करेंगे तो बेकार रहता है। तो यहाँ पर एक एक करके वेजिटेबल्स को धो रही हूँ, और बढ़िया मैं अच्छे से इसको कटिंग काटूँगी। और ये कहते हैं ये सारे वेजिटेबल्स है, गाजर है, टमाटर है, हरी मिर्च है, ये सारे वेजिटेबल्स पास्ता में डलते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो मैंने क्या किया है कि इसी को, और ये मैं पूरा डालूंगी नहीं, पूरा एक सैगा नहीं डालूंगी, इसको आधा ही शिमला मिर्च में यूज़ करूंगी। तो ये मेरा शिमला मिर्च कट गया है, अब मैं इसको सारे, मैंने क्या सोचा कि सारे वेजिटेबल्स से ना जो टमाटर वगैरह गाजर वगैरह पहले उसको साइड में कर लेती हूँ, और उसको पानी में जब तक डाल देती हूँ, और सबसे पहले मैं ये अदरक लहसुन वगैरह ना इसका काम निपटा देती हूँ, क्योंकि टमाटर वगैरह काटेंगे ना तो सब पानी पानी छोड़ देता है, तो पूरा ये कटिंग बोर्ड पूरा मैसी मैसी से हो जाएगा। तो ये जो ड्राई वाले हैं, ड्राई ड्राई प्याज अदरक लहसुन ये सब ड्राई ड्राई होते हैं, तो उसको काटने में आसानी होती है, कोई दिक्कत नहीं होता। फिर उसके बाद ये मैं टमाटर वगैरह काटूँगी। तो यहाँ पर मैं प्याज को छीलना वगैरह शुरू कर दिया है मैंने, ताकि एक एक करके मैं वेजिटेबल्स को काटूं। और मैं यहाँ पे सिर्फ दो ही प्याज यूज़ कर रही हूँ, मैं सारे प्याज यूज़ नहीं करूँगी। मैंने ले आया था, मैंने सोचा था जितना मन करेगा उतना डालूँगी, लेकिन मैं दो ही प्याज डाल रही हूँ। और आप देख सकते हैं पीछे कुकी मेरी क्या करी, कि बहुत परेशान कर रही थी, कैसे कैसे उसे डांट डांट के, बीच में कैमरे को बंद कर करके ना उसे डांट डांट के वो करना पड़ रहा था। तो फाइनली जब वो बॉल पकड़ा दिए उसको, तो बॉल के साथ खेलने लगी, तो मैं इजीली अपना काम पे ध्यान देने लगी। नहीं तो बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, बार बार इसको सूंघ रही थी, उसको देख रही थी, अब उनकी आदतें होती है ना देखने की, हर चीज़ चेक करने की, तो वो सब देख दाख रही थी। और यहाँ पे आराम से मैं कंफर्टेबल हो गई थी, और फिर मैं आराम से अपना
ये लहसुन वगैरह छीलना काटना ये सब मैंने शुरू कर दिया था। और यहाँ पे मैंने फिर ये जब लहसुन काटते हैं ना तो बारीक बारीक काटते हैं, ज़्यादा से मोटा ना रखें लहसुन को, पहले पतला पतला स्लाइस काट के फिर उसे चॉप करें ताकि वो बारीक रहे कि उतना ही टेस्ट आता है। और अदरक को भी सेम ऐसे ही काटना होता है, इसको भी मैंने पहले स्लाइस स्लाइस पतला काट लिया, फिर ये लंबा लंबा कट दे के फिर इसको फिर दोबारा कट मारते हैं तो ये अच्छी बारीक चॉप होती है। सेम प्याज को भी ऐसे ही मैंने काटा, स्लाइस 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 पत्ता काट के फिर अच्छे तरीके से उसे बारीक तरीके से चॉप किया मैंने। तो यहाँ पे मैं फाइनली जब मेरे सारे ये वाले सूखे वाले ड्राई वाले जो प्याज अदरक लहसुन जो कट गए, तब मैं लास्ट में ये उसको काट रही थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि क्या कहते हैं, मैं भूल ही गई थी कि मुझे ना इसको पीसना है, उसको प्यूरी बनाऊंगी ज़्यादा टेस्ट लगेगा। तो फिर मैंने उसको जार में डाल के इसे पीस दिया। पहले मुझे लगा कि मैं इसी में चॉपिंग बोर्ड में ही काटूंगी तो पूरा चॉपिंग बोर्ड पूरा गीला गीला हो जाता, फिर बाद में याद आया कि नहीं नहीं मुझे तो पीसना है इसको जार में। फिर मैंने जार में सारे दोनों टमाटर को यूज़ किया, और पास्ता में जितना टमाटर लेंगे ना उतना ही अच्छा रहता है। तो विवेक को मैंने यहाँ पे दे दिया था ताकि वो पीस के लाते रहें, तब तक जब तक वो पीस के लाते रहेंगे तब तक मैं आराम से यहाँ पे गाजर की कटिंग काट लेती हूँ। तो इसको भी गाजर को भी सेम उसी प्रोसेस से काटना, उसका भी ना मैंने ये जैसे इस तरह आप छोटे छोटे काट करके फिर इसको स्लाइस बाय बाय स्लाइस काटते हैं, फिर इसको पतला पतला काटते हैं, फिर इसको चॉप करते हैं। तो मतलब इस तरह काटना पड़ता है, और इस तरह काटने से ही टेस्ट आता है, अच्छा लगता है। नहीं तो दूसरी तरह से काटेंगे तो वो मज़ेदार नहीं होता। पास्ता के लिए ऐसी ही कटिंग अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे गाजर को भी काटने लगी, तभी विवेक ने वो मुझे टमाटर का प्यूरी बना के दे दिया। आप देख सकते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये बढ़िया सी प्यूरी रेडी हो गई है। तो इसमें क्या है, पास्ते में और जान आ जाएगी और बढ़िया और टेस्टी लगेगा। कटिंग काट के भी आप डाल सकते हैं टमाटर को, लेकिन दोनों के टेस्ट में ना अलग अलग मतलब फ्लेवर अलग अलग आता है। फिर यहाँ मैंने मिर्ची यूज़ किया है, मैंने और मिर्ची लिया था लेकिन मैंने दो ही मिर्ची यूज़ की, क्योंकि ज़्यादा तीखा हो जाता तो मैंने दो ही मिर्ची यूज़ की। फिर वही मैंने ऑयल डाला यहाँ पे, दो ही चम्मच यूज़ किया है ऑयल, कि ज़्यादा ज़्यादा ऑयली ऑयली नहीं खाना चाहिए। घर पे बना रहे हैं तो हेल्दी ही बना के खाओ। तो सबसे पहले ना मैंने लहसुन इसमें डाला, सबसे पहले लहसुन और अदरक, और उससे ज़्यादा भूंजना भी नहीं होता, लाल लाल नहीं भूंजना होता, इसको हल्का हल्का ही भूंजना होता है। फिर आप इसमें प्याज डाल दो, फिर प्याज को भी हल्का हल्का ही भूनना होता है, और ऐसा नहीं कि लाल लाल कर देना है, जला जला देना, ऐसा नहीं करना होता। फिर उसके बाद मैं सारा वेजिटेबल जितना भी था, शिमला मिर्च, गाजर और हरी मिर्च थी, सारे को मिक्स करके मैंने डाल दिया। और बीच बीच में मैं ढक के फिर चेक भी कर रही थी। और फिर सारे से मसाले मैंने ऐड कर दिए, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर भी यूज़ किया है। वो मैं गरम मसाला डालना भूल गई थी तो मैं लास्ट में डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने प्योरी डाल दिया है। प्योरी के बाद नमक डालने से क्या होता है ना कि नमक को गलने में, फ्राई होने में अच्छा रहता है, इसलिए जब आप मसाला डालते हैं ना तब मत डालें नमक, जब मसाला भुन जाए फिर टमाटर डालें उसके बाद डालें। तो ये देखिए गरम मसाला मैं भूल गई थी तो फिर लास्ट में मैंने डाल दिया था। फिर पास्ता मैंने उबाल के रख लिया हुआ था, इसको ना आधा ही उबालें और उबाल के ना गर्म पानी में छोड़ दो, अपना फूल के ये बड़ा बड़ा हो जाएगा। और खट्टा बहुत ज़्यादा से इसको उबाल लेंगे ना तो ना तो ये अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं होगा बल्कि और उसकी धज्जियाँ भी उड़ जाएगी। लेकिन मेरी भी इसमें ये उड़ ही गई थी। फिर मैंने सॉस डाला, सॉस से नहीं और अच्छा टेस्ट अच्छा आता है, बढ़िया टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मेरा ये रेडी हो चुका है, तो मैं प्लेट में इसे डाल के इसे सर्व करने की तैयारी कर रही हूँ। फिर थोड़े बच्चे कुचे हुए, थोड़े धनिया रखे थे घर पे, तो मैंने सोचा कि धनिया भी डाल देती हूँ, क्योंकि धनिया डालते हैं अच्छा लगता है। लेकिन धनिया था नहीं अभी, एक दिन में हर दिन सूख जाता, डेली लाते हैं और दूसरे दिन मतलब दूसरे दिन के शाम तक ही सूख जाता है। बच्चे कुचे धनिया थी ये दोस्तों, तो देख सकते हैं कि ये मेरी क्या हालत हो गई है। ये इसकी वजह ये है कि जो पास्ता बना रही थी ना, तो वो क्या कहते हैं, यहाँ पे अरेंजमेंट तो कर लिया था, जस्ट इसके ऊपर मतलब पंखे की हवा इतनी फोर्सफुली आ रही थी कि ना वो गैस का जो फ्लेम था वो इतना डगमगा रहा था और उसको कोई प्रेशर ही नहीं हो रहा था, जल तो पूरा फुल में रहा था लेकिन कोई प्रेशर नहीं हो रहा था। इस कारण उन्होंने फैन ऑन कर दिया है, तो अब मुझे थोड़ा राहत मिल रही है, जिस कारण क्या मुझे गैस ऑफ करना, गैस ऑफ बोल रही हूँ, फ़ैन को ऑफ करके ये शूट करना पड़ा, ये ब्लॉगिंग कंप्लीट करनी पड़ी बनाने की। इसके अंदर कुकी की भी हालत अब दिखा सकती हूँ, बेचारी मेरी बेटा, हाँ मेरी बेटी, मेरी बच्चा, मेरा मुन्ना है ना, है ना, ये ब्लॉगिंग के चक्कर में, वीडियो के चक्कर में मेरी बच्ची, मेरी मन्ना, मेरा लोग सब प्यार देंगे ना भर भर के। ये देखिए दोस्तों मेरा बन गया है, तो जाते हैं मैं और मेरे पति एंजॉय करते हैं, तो मिलते हैं एंजॉयमेंट के टाइम। तो हम लोग का नाश्ता लग चुका है, मस्त वाला नाश्ता,
और मेरे पति अब टेस्ट करके बताएंगे कि उनकी पति ने कैसा बनाया है, तो प्लीज बताइए। तो आप भी टेस्ट करो। तो ये है क्या सोडा? लीची फ्लेवर सोडा। लीची फ्लेवर सोडा इन्होंने लेके आया था, तो भाई रेस्टोरेंट का मजा घर पे पास्ते के साथ। चिल्ड चिल्ड फ्लेवर मस्त, और पास्ता का टेस्टी भी मस्त। मन तो कर रहा है इसको पूरा पी जाए, लेकिन नहीं, खाते 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 एंजॉय करेंगे। तो आज का तो हम लोग का ये खाना चलने वाला, क्योंकि इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि रात का खाना कैंसिल, अब ब्रेड वगैरह रखा है तो रात को अंडा ब्रेड या दूध कुछ भी करके खा लेंगे, लेकिन अब बस यही हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। तो आप कभी मुंह में आ रहा है पानी तो याद करिए अपनी नानी। तो आई होप कि आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पास्ता अपना आज मैंने शेयर किया, तो एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को क्या करिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब करिए, और हम लोग की वीडियो के नीचे जो लाल लाल उससे लिखा हुआ आएगा सब्सक्राइब, उसको क्लिक करिए और घंटा को दाइए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए, है ना, और आप एंजॉय कर सके। नेक्स्ट टाइम एंजॉय करते रहे, है ना। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए हो जाए उससे पहले खा लेते हैं, बाय बाय। गर्म ना हो जाए, हाँ ये गर्म ना हो जाए और वो ठंडा ना हो जाए, तो इसीलिए कॉम्बिनेशन बिगड़े ना, तो हम लोग एंजॉय करते हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। डार्लिंग बाय बाय कर दीजिए, बाय।